मैं स्कूल से टर्मिनेट हो चुका हूँ, स्कूल से मुझे निकाल दिया गया। क्या ही कर सके हम, नाम कट गया। क्या ही कर सकते हैं, अब थोड़े बहुत पैसे लगेंगे। एक महीने से पूरे स्कूल नहीं जा रहा गाइस। कल परसों ना फोन भी आया था अपने पापा के पास, आया था कि अबे जाना है। सर ने बोला ग्रुप में, मैं दिखाऊंगा जा रहा भाई। एक से एक बड़े नुकसान हो जा रहे हैं। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। तो गाइस दोबारा से जा रहे हैं भाई, आज बज रहे हैं 10:30। सुबह आज उठने का प्लान था 6 बजे, लेकिन भाई तुम्हें पता ही है उठता तो है नहीं करता। जल्दी उठे, मैं ही फोन करता हूँ डेली, जा जा। गाइस ये बता रहे कि आज के लिए स्कूटी जहाँ तक है हमें मिल जाएगी है। आज इसके पापा स्कूटी लेके जाएंगे, तो क्या पता हम स्कूटी पे हांड सके, मतलब घूम सके। पूरी देसी लैंग्वेज में बोल लो हांड सके। आगे भैया 2 मिनट का तो रास्ता हमारे घर से, 2 मिनट का भी ना, कुछ सेकंड का ही है। शायद हम डेली ना लेट हो रहे भाई। सुबह जल्दी उठ के पूजा तो कर दूं, लेकिन यार दाना डालने थोड़ा लेट आऊं। अबे यार ये तो बहुत सारा है आज, वो है ना समस्या, इस वजह से लोग डाल ले मेरे हिसाब से, है ना, वरना इतना नहीं होता। सही कह रहा है भाई, आज तो कुछ सही में बहुत ज्यादा है ना, पूरा पीला कर दिया आज समस्या की रात। गोस्ट प्रैंक है। मैं तो तेरी करूंगा सेवा, रख ले अल्लाह खाई ना रही वो। गाइस यार कल समझे, कल से तो मूड ऑफ है, जब से सुना है ना मुझे, अभी तक मैं सदमे में ही हूँ। यार भाई बहुत दुख हो रहा है भाई, कसम से यार, यार यकीन नहीं हो रहा भाई। बड़े सिंगर को भाई मार दिया भाई, जैसी सिक्योरिटी हटी वैसी मार दिया, जैसी सिक्योरिटी हटी गई ऐसी मार दिया भाई फुल भाई, गलत हुआ यार। अरे देखो इनका ना एक फेमस सॉन्ग था 295, बहुत सुना होगा, तभी तो दुनिया से वाद ले लिया बोला है ना। और भाई कल 1:30-5 ही थी, ठीक है। और लास्ट सॉन्ग देख, द लास्ट राइड, मतलब आखिरी सफर। भाई कैसा कॉन्फिडेंस है कोई बंदे भाई, पहले बात तो लोग से ना तरक्की नहीं देखी जाती है ना भाई। 29 साल का बंदा करोड़ों की फैमिली के घूम रहा है। वही तो यार गाइस, कसम से जब इंसान का नाम होता है ना, तो हेटर्स ऐसी बढ़ जाते हैं यार। मंदिर आया फिलहाल, मंदिर बड़ी भीड़ लग रही भाई, समस्या बता दो। क्या दिया तूने? पैसे दिए थे थोड़े बहुत चावल और आटा। अच्छा मैं अमावस्या इसलिए हाँ कर दिया दान पून जो करना था, अब निकलते हैं भाई घर, बहुत देर होली। 15 मिनट बाद छोले समोसे खाने आएंगे, ठीक है। कम से कम 4 दिन हो गए लगातार कह रहा भाई छोले समोसे खाने। अबे भाई जिस दिन पैसे होते हैं और भूख लगती है उस दिन लगाता नहीं, उस दिन वो लगाता नहीं है, आज लगाया, आज खाने आएंगे पक्का भाई, ठीक है। बाय। मैं अभी भी भाई गली के बाहर, मतलब की उसको छोड़ के आ रहा था भाई, मोनू मिला, मोनू बता रहा आलू पहुंच गया पंजाब, आलू पंजाब पहुंच गया गाइस। सही है भाई, वो भाई बहुत तगड़ा फैन था ना, वो भी सिद्धू मूसेवाला का बहुत तगड़ा फैन था, वो तो पंजाब हो गया बिना बताए, कह रहा 4 बजे तक आ जाऊंगा, अभी बॉडी पोस्टमार्टम में गई है। बस फिलहाल अभी घर आया था पैसे लेने, क्योंकि यार यस का फोन आया कि छोले समोसे खाने चल रहे। अब भाई आधे घंटे से उसका वेट कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आया भाई, आधे घंटे में वेट करते करते। हाँ आंटी जेंडर है ना भाई, मैं चलाऊंगा। कितने दिन बाद गाइस स्कूटी चलाने को मिली इस गरीब आदमी को गाइस। भाई मेरी अंगूठी पहन रखी तूने, चलना मेरी। एक रील बना है वो ऐसे करके करने वाले है ना, इसको साफ कर, साफ तो करी से। गाइस चलते हैं स्कूटी पे, कितने दिन बाद गाइस। हवा बाज भी ने तू व्लॉग पहन रहा, अरे भाई चलना री भाई, भाई रहने दो भाई, चलने दे, हॉर्न नहीं है तुम्हें? नहीं तो मुझे बोलना पड़ेगा, गाड़ी जाओ जाओ। गाइस कितने दिन बाद चल रहा है गाइस स्कूटी, गाइस गाइस अलग ही फीलिंग गाइस। चलो गाइस आ गए गाइस, गाय माता हट जाओ, गाओ माता हमें कुछ ना आता, तुम हट जाओ, बस हमें सिर्फ समोसा दिखाई देता। दुनिया दा काम बदनाम करे सोनिए, जड़ जो भी करे सरे आम करे सोनिए। तो गाइस अभी आ चुके हम लोग छोले समोसे वाले, अभी आ गए। और भैया कैसे हो? भैया दो बना दो भैया, जिस दिन आते हैं उस दिन आप लगाते नहीं हो। आधा घंटा हो गया ये भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, 3 बार छोले ले लिए इनने, 3 बार लिए भाई सच में, हाथ धोते हैं भाई, खत्म नहीं कर रहा है, 1 घंटा हो गया, मैं आराम से गर्मी मर रहा हूँ, ये खाया जा रहा रुकी नहीं, लेने जा रहा देख रहे हो, मतलब सफर लिए देखो। तुम अमीर आदमी हो, तुम्हारी स्कूटी तुम चला भाई, दिखा ले, ये बोलना बेटा लेके भी नहीं जाऊंगा। हाँ भाई सही है भाई, गाइस मुझसे स्कूटी की चाबी छीन ली गई है यहाँ पे। गाइस होगा अपने साथ ऐसा, कोई दिक्कत ना गाइस, गरीब आदमी के साथ ऐसी हो रहा है, क्या ही कर सकते हैं ये लोग, अत्याचार कर रहे हैं अमीर लोग। गरीब आदमी के हाथ में ना आईफोन 12 अच्छा नहीं लगता भाई, मेरे पास कहा तुम्हारा आए भाई, क्या मस्त लग रहा है पसीनों में जाकर भाई। हाँ हाँ तू घुमाते रहे भाई, ऐसे काम कर, 4 बार छोले लिए ना पेड़ों में भाई, 30 रुपए में पेड़ भाई, 30 रुपए में 4 बार छोले लिए हैं, वो भी कह रहा हूँ बेशरम आ गया भाई, दो दे देना जल्दी रे, एक ब्लैक और एक जल्दी ब्लैक मस्त लगता है, ब्लैक ही पे कम करो, जल्दी ना मत दो ब्लैक ही दो।
वैसे ठीक था, मैं जल्दी जल्दी लेता, वो मस्त लगता है यार। तूने पैसा वेस्ट करा दिया, ये अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ी रकम वेस्ट करवा दी। अबे जाना है। अबे नहीं देता, कुछ चले जा भाई। कौन कौन बुला रहा है? गर्मी की भाई, एक घंटे जाके आ रहा है बस। अबे क्यों जा? किसने बोला? सर ने बोला ग्रुप में, मैसेज दिखाऊंगा। रुक जा, तू गाने चला पहले, तू गाने चला भाई। खाना खाते और गाना सुनते हैं। हमसे कह रहा कहाँ से आयो, हम तेरे बहन थोड़ी ना। अभी 12:30 बजे बोल रहा था, अभी तू अभी 1:30 बजे पे आ गया। तू स्कूल भी जाना 1 बजे। अपना खाना आ चुका खाने में, चावल। और भाई मेरी बहन लाई है भाई चावल, आज बारिश पड़ेगी, वो ऊपर लाई है मैंने चावल। गाइस समझ रहे हो, सिद्धू मूसे वाले भाई के गाने सुन रहे थे यार। कदम से भाई, भाई कदम से मुझे आज तक किसी भी सिंगर या किसी भी एक्टर किसी का भी दुख दुख नहीं हुआ। मतलब हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं हुआ यार जितना इनका हुआ। ऐसा लग रहा है कि भाई पहली बार, मैंने मतलब पहली बार इंस्टाग्राम की प्रोफाइल चेंज करी, क्योंकि यार फैन ही इतना बड़ा था। कसम यार, मैं हमेशा ये बोलता था कि भाई इन्हीं का फैन हूँ, इन्हीं का फैन हूँ भाई। राता जी भाई, तुम भाई देख ले चावल भाई। मैं भी तो आऊंगा भाई, खाने पड़ेंगे भाई, खाने भाई। वो नीचे से लाइए भाई, वो ओवर एक्टिंग की दुकान है। क्या तो भाई स्कूल में ले जाएंगे भाई अभी ना मुझे। अबे सर नहीं यार, मुझे अभी स्कूल जाना है ना, 15 मिनट से मुझे जल्दी से खाऊंगा, फिर नहीं निकलूंगा 3 से 4 बजे। 1 घंटे बाद आऊंगा। तुम्हें तो चुप ना। अबे जाना है। अबे नहीं देता, कुछ चले जा भाई। कौन बुला रहा है? स्कूल में बुला रहा है भाई। छुट्टियां नहीं पड़ती है गर्मी की भाई। 1 घंटे जाके आ रहा है बस। किसने बोला? सर ने बोला ग्रुप में, तू गाने चला पहले, तू गाने चला भाई। खाना खाते और गाना सुनते हैं। बज रहे हैं 3 एंड मैं जा रहा हूँ स्कूल में। हो सके तो गाइस स्कूल के अंदर व्लॉग शूट करने की कोशिश करूंगा, ले जाऊंगा तो सर ले जाने देंगे तो करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 बज रहे हैं, 4 बजे तक आ रहा हूँ, 1 घंटे में आऊंगा। पैसे लगाओ, चलो 100 रुपया लगा रहा हूँ, 200 रुपया लगा रहा हूँ, 100 रुपया लगा रहा हूँ। मैं भाई रहने दे, तुम्हारे बस की नहीं, बुलेट लेंगे भाई। ठीक है तुम लोग जाओ, मैं भी निकलता हूँ। फोन लेके जा रहा है? ऐसे स्कूल गया, एक फॉर्म दे के भेज दिया हमें तो। फॉर्म का मैंने प्रेस करी, इतनी मेहनत करी जाने में। सर ने सिर्फ 5 मिनट रुका, फिर फॉर्म दिया, भाई भेज दिया, अगर जाओ घर। अब फॉर्म लेके घर जा रहा हूँ सीधा। बस फॉर्म दिया था, एक बार आ गया फिर। आज दे भाई, इतनी मेहनत से मैंने प्रेस करी, सब कुछ करा, लेकिन टाइम है शाम के 5 बज रहे। ओ भाई मेरा आयो, तू पागल लेके झूठा कर दिया यार। मैं खा भी ना पाने का हूँ। 5 बजे इंगड़े में अभी भुट्टा ला लाया था भाई, इन्होंने झूठा कर दिया यार, दिमाग खराब हो। मैं गिला हो चुका, मैं अभी आया हूँ जस्ट। मैं ब्लॉग शूट करने मैं बाहर गया, तो भाई भुट्टा मेरा मिल गया, मैं भुट्टा लिया। लेकिन भाई बाहर जाते इतनी कड़ी बारिश पड़ी, मैं भुट्टा लेके सीधा घर आ गया। क्योंकि मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है रात होगी। मेरे भुट्टे वाले अंकल कुछ राग नहीं बजा रखे इन्होंने, देसी हो रहे हैं करते। गाइस देखो ना कितने तेज चल। ओ भाई साहब, ओ मम्मी बहुत तगड़ा चल रहा, मम्मी बहुत ही तगड़ा, पूरा सब हिला दिया सब कुछ भाई यार। गाइस देखो ना यार कितना खतरनाक चल रहा भाई, ये क्या है यार, बहुत ही तेज चल रहा मम्मी। तूफान देखो ना, पर्दा उड़ गया, मम्मी पर्दे को पकड़ लो। गाइस यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक चल रहा भाई, कुछ ज्यादा खतरनाक है ये तो। हमारे पास बच्चों को गाइस अपनी चाय भी आ गई, चाय पीते हैं आराम से। तो भाई एडिटिंग ये कर रहा था, एडिटिंग ये कर रहा था साथ में यार। बाहर तो जाना है नहीं, बारिश पड़ी क्योंकि बहुत तेज। जब से बैठा हूँ, जब से बारिश पड़ी है ना, एक जगह बैठ। हाँ गाइस स्कूल से आया है, अबे टर्मिनेट का नहीं है वो, फ्री पॉइंट में स्कूल से नोटिस वो सर ने दिया था कि ऑनलाइन मतलब कि तुम्हारी क्लास होगी कहीं। अरे नाम नहीं कटा यार, पागल ले यू। अरे मम्मी झूठ कह रही है यू, तुम यकीन मम्मी झूठ बोल। नोटिस मेरा बैग का है, मेरा बैग इसके मेज में निकाल, तुम बैग निकाल। मम्मी झूठ, अब मैंने मजाक करा देर से भाई हद। मैं स्कूल से टर्मिनेट हो चुका हूँ, मतलब कि स्कूल से मुझे निकाल दिया गया है। अब मैं क्या ही करूँ, नोटिस मिला हुआ स्कूल वाला सर ने दिया, 1 महीने से स्कूल नहीं जा रहा।
मम्मी नोटिस मिला, नोटिस दिखा ये रहा। पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुना। ले तुम बिस्कुट खाओ। आई डैश डॉटर या सन ऑफ डैश हैव साइंड अप फॉर इंटर्नशिप एज अ पार्ट ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट। आई फुली अंडरस्टैंड दैट। जैसे जब से वो रुक जा मम्मी, तुम बताओ तुम क्या कहने जा रहे हो। तुम अपनी खुल के बोल लो। छुट्टी पड़ गई, क्या करूं, समर वेकेशन चल रहे तो ये किस चीज का नो तो देख लो बताइयो। अब एडमिशन भी नहीं मिलेगा, नाम कट गया, 2000 रुपए देकर नाम भर जाएगा। लाओ तो देखो मुसीबत तो पड़ती रहती है, तभी तो दुनिया स्वाद ले ली है। अब हम ही क्या ही कर सकते हैं, नाम कट गया। अरे नाम कट गया, कह दे रहा हूँ पढ़ना लिखना आवे। नाम कट गया, अब क्या ही कर सकते हैं, अब थोड़े बहुत पैसे लगेंगे स्कूल में जब जाके एडमिशन होगा। एक महीने से पूरे स्कूल नहीं जा रहा मम्मी, मैं आ गया नोटिस। सर ने तो पता, सर ने बुलाया कि नोटिस आ गया एक महीने से स्कूल। पापा का फोन भी आया था, पापा बता रहे थे कि उनका फोन आया है, पूरे मार्च स्कूल नहीं गया, उसी का ही है। अरे एक क्लास होगी 12 से 1 बजे तक की, यहीं पे होगी पास में, दूर जाना कहीं किराए से या ऑटो वोटो से कहीं से जाना। तो इसमें इस चीज का क्यों लिखा है कि कोई भी लोसी या डैमेज। अरे ये तो लिखा है UNOC है। हाँ ठीक है, NOC है, कोई नाम वाम ना करना। मम्मी तुम्हें यकीन कैसे मान लिया, नोट बताओ पहले। कल परसों ना फोन भी आया था, पता नहीं पापा के पास आया था कि स्कूल नहीं आ रहा भाई, स्कूल खुल नहीं रहा, पता नहीं क्यों आ गया फोन। बल्कि उसमें लिखा था विनय स्कूल, तो मेरा दो दोस्त का नंबर है सेव विनय स्कूल के नाम से, मेरा दोस्त है विनय। तो मम्मी ने सोचा स्कूल की तरफ से फोन आ गया, वो ने बोला भाई स्कूल चल रहे आज के दिन। तो मम्मी कह रही स्कूल नहीं, वो कह रहा था स्कूल आ जा, मम्मी सोच रही तरफ से फोन आ गया स्कूल नहीं जा रहा है। और तुमने आज यकीन मान लिया कि मेरा नाम कट गया है। मम्मी तो लेटती थी आराम से, एकदम से उठ गई मम्मी। गाइस मेरे पे तो मेरे पर से भरोसा उठ चुका। रात के 10-15 अड़े हो रहे हैं। एंड गाइस अभी भाई मैं बाहर गया था सन्नी के यहाँ पे, और भाई उसके यहाँ मैं रुका, और भाई आधे घंटे तक रुका। भाई जैसे बाहर आया मैं उसके घर से, मतलब जैसे निकला बाहर, चप्पल उतार दी थी भाई, तुम्हें दिखाता हूँ। ये मैं उसकी चप्पल पहन के लाऊँ, वो भी इतनी बड़ी हो रही है भाई, मेरी चप्पल गायब हो गई। गाइस देख रहे हो मेरे मतलब दिन कैसे चल रहे, चप्पल गायब, स्कूटी आया, मतलब पता नहीं क्या क्या नुकसान हो जा रहा है भाई, एक से एक बड़े नुकसान हो जा रहे हैं। कभी कुछ खराब, कभी कुछ मतलब होता जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यार ये। कोई ना भाई, भगवान भी उसे प्रॉब्लम देता जो इंसान सह सके, यदि आज इसकी सहने की क्षमता हो भाई, कोई दिक्कत ना भाई, सब कुछ सहेंगे। देखे ना भाई चप्पल पहनूंगा कितनी बड़ी है, देख भाई कितनी गंदी हो लग रही भाई, मैं तो सैंडल पहन लूंगा भाई, यहाँ से सैंडल लेता हूँ, यही अपनी पुरानी, देखे ना कितनी गंदी हो रही, इनको साफ करूंगा फिर पहनूंगा यार। ये सन्नी को वापिस दे दूंगा, उसकी पहन के आ गया था यार, ये इतनी बड़ी बड़ी में। दोबारा सैंडल वाले दिन आ गए मेरे। कोई ना भाई पहन लेंगे सैंडल भी, मस्ती लगे पैरों में अपने, कहीं ना गिल्ली करनी ताकि नंकी लगे भाई। यार कसम से यार गलत हुआ मेरे साथ। भाई देखो जब से तूफान आया ना पूरे पेड़ वेड़ सब नीचे गिर गए, और भी इतनी तगड़ी आवाज आई इसमें भाई, मैं डर गया मैं, क्या एक्सीडेंट होगा दिक्कत भाई, बहुत तगड़ा आड़ आई यार। इतने बुरे दिन चलने, बताओ यार चप्पल चोरी हो गई, मैं ही ना चोरी हो जाऊं लग रहा मुझे। पर कहीं चोरी नहीं हुई है, चप्पल खुई है ना मनु, चप्पल खुई है, चोरी नहीं हुई, क्योंकि एक है एक नहीं है। चोरी भाई दो है, वही तो, और एक खुई है, लेकिन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं।